तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेसलमेनिया 36 में हमें बेकी लिंच वर्सेस साइना बेलर का मैच देखने को मिल सकता है क्या। तो सारी कुछ बात कहेंगे इस वीडियो में और डिटेल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज के मंडे नाइट रॉ में आस्का वर्सेस बेकी लिंच का मैच देखने को मिलता है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और ये मैच तो अच्छी खासी चलती रहती है, और लास्ट में जब बेकी लिंच अपने मूव को लगा के इस मैच को अपने नाम करते हैं, जब वो इस मैच को सेलिब्रेट करते हैं तो पीछे से आके साइना बेलर उन पे अटैक कर देती हैं। और वो भी छोटा मोटा अटैक नहीं रहता फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा अटैक होता है और उन पे कुछ इस प्रकार से अटैक करते हैं कि जैसे कि उनका गर्दन का जो पीछे वाला पार्ट होता है उस पे आके वो मतलब क्या बोले आपको, बाइट टाइप से काट लेती हैं उनको। और उसके बाद उनके से बहुत बुरी तरीके से ब्लड निकलता है, जिसको मैं अनइमेजिनरी है जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से साइना बेलर बेकी लिंच के साथ हरकतें करती हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अभी ये भी न्यूज आई है कि हमें साइना बेलर का नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में हमें डेब्यू देखने को मिल सकता है, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही हुआ। तो इसी सब के देखते हुए मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 36 में साइना बेलर वर्सेस बेकी लिंच का मैच हमें देखने को मिल सकता है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। क्योंकि उधर तो शार्लेट फ्लेयर एंगेज हो गई हैं रिया रिपली के साथ। इंगेज का मतलब ये नहीं कि वो अपने फ्लूट बढ़ा रही हैं। मुझे जहाँ तक कि चांस लगता है कि ये मैच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 36 में। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार और आपको लास्ट बार बता दूँ कि Q&A वीडियो आने वाली है। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मुझे हैशटैग रेसल स्टो करके कमेंट पे पिन कर दें, मैं उसको जरूर से जरूर लूँगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रो रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।